वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अभी चूंकि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले अनाउंस किया था कि आज यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है, और इस हवाले से बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं आज के दिन, और आज हमारे सेट पर भी वो तमाम लोग जो इस डे के हवाले से हमारे साथ डिस्कशन करने वाले हैं हमारे साथ मौजूद होंगी। मैडम अलमात भट जो कैसे विलेजेस की डायरेक्टर भी हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास रिफत मलिक होंगी जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, और दो बच्चों ने भी हमें ज्वाइन किया, एक तो हमारे पास दुआ और दूसरी हमारे पास हफ्सा। राइट, चलिए ना, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो मैडम आपकी तरफ आएंगे हम, चूंकि बात करें वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे की, तो क्या मैसेज आप देंगी आगाज हम इस डिस्कशन का करें तो? कि यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे है और हम हर डे मनाते तो बड़े जोक शौक से हैं, लेकिन जो उसका असल मकसद होता है मनाने का वो क्या है? क्या हम मैसेज क्या देना चाहते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को क्या बताना चाहते हैं कि वो दुनिया के दूसरे, सिर्फ अपने बच्चों की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया के बच्चों की बात हो रही है, तो है स्टे कनेक्टेड। और ये कि अपने अपनी अहमियत को समझो और अपने राइट्स के लिए हमेशा खड़े होना, हाँ, लेकिन विद इन लिमिट्स, उस लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना। आप एक एहतजाज भी करोगे तो एक तरीके से करोगे, रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है दैट शुड बी देयर, हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट भी और अपनी रिस्पेक्ट को भी सामने रखकर एहतजाज करें और ओवरबोर्ड ना जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपके यहाँ तो बहुत सारे माशाल्लाह बच्चे हैं, जो आज आपके उधर कोई एक्टिविटी होती है इस हवाले से? हाँ जी, बच्चे बड़ी छोटी छोटी स्पीचेस और ये और वो तैयार रखते हैं कि जी फंक्शन होगा, हम तो हर फंक्शन बड़े जोक शौक से मनाते हैं, वो तो डेफिनेटली, तो इसके लिए भी यही है जी, नगमे और ये इस तरह की सारी चीजें प्रिपेयर होती है, लवली करते हैं। लवली 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 इरफत आपकी जानिब आए, चूंकि यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे है, बच्चों के हवाले से बहुत ज्यादा हमें काम की जरूरत भी है, अगर आप अपनी सोसाइटी को देखें। बिल्कुल सही, तो उस हवाले से क्या करें? सबसे पहले तो मैं अपने बहुत प्यारे बच्चों को मुबारकबाद दूंगी, आज उनका दिन है और सेलिब्रेट कर रहे हैं हम भरपूर तरीके से, और ये बच्चों का दिन इस हवाले से है कि हमें माँ बाप को पता चले कि बच्चों के हकूक क्या हैं। जब हम कहते हैं कि बच्चों के हकूक, तो दो चीज़ें बहुत अहम हैं कि वालदैन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं और स्टेट बच्चों के लिए क्या कर रही है। जहाँ तक वालदैन का ताल्लुक है कि वो क्या करते हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक मैं सब वालदैन को एडवाइस करती हूँ कि जहाँ खाना पीना पढ़ना लिखना, उसके साथ एक चीज़ देखें, रोटी कपड़ा मकान जब बच्चों की ज़रूरियात या शेल्टर आती है तो उसमें तो रुपए पैसे का दखल है, लेकिन एक चीज है जो बच्चे का हमारे ऊपर हक है और वो है प्यार। और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ, मैंने देखा है कि दुनिया के हर मामले के पीछे अगर देखा जाए, बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें क्या है, मोहब्बत। अगर जो बात आप बच्चों को डांट के कहते हैं, अगर वही बात हम उनको प्यार से समझाएं, तो दुनिया के खास तौर पर बच्चों के सारे मसले हल हो जाते हैं। बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, खुदा रहता है बच्चों में, इसलिए हमें सब बच्चों से, वो छोटे हों बड़े हों, उनसे प्यार करना चाहिए। और माँ बाप को मैं ये मशवरा दूंगी कि हमें एक बात, जो देखें गवर्नमेंट लेवल पर भी काम होता है, प्राइवेट इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लाहौर जैसे तरक्की याफ्ता शहर में और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे पास लोग आएंगे, गाड़ी भरी हुई है, मिठाइयाँ हैं भरी हुई, उसमें तो सारे बच्चों को जल्दी जल्दी छुट्टी करा दें, अल्लाह ताला ने इनको एक और भाई दे दिया है। लेकिन आज तक तमाम जिंदगी मैंने बच्चों के लिए काम किया, बुक्स लिखी, पढ़ने लिखने में गुजरा, लेकिन मेरे नज़र में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि कोई वालदैन गाड़ी मिठाई की फूलों की भर के लाए हों और कहते हों कि जी इनकी बहन हुई है। अब देखें इस मुनासबत से, जैसे कल ईद मिलादुन्नबी का मौका है और ये बड़ा मुबारक मौका है, बेशक बीइंग ए मुस्लिम, अगर हम ये देख लें कि बेटी का क्या रुतबा है, और फिर हमें खुद समझ आएगी और हम ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर देंगे। हम हर वक्त बेटियों को पीछे रखते हैं हर काम में, यहाँ तक कि डाइट के मामले में देखें तो हम उनकी डाइट पे तवज्जो नहीं देते। आपको मैं इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि हम बात करें बच्चों के हवाले से भी, तो अभी आप बिल्कुल ठीक कह रही है, हम अपने माइंड सेट को देखें तो अभी तक वही है। हाँ, बेशक हर जगह पे हर फोरम पे दावा करते हैं बेटियां हमारे लिए प्रायोरिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड सेट में वो है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात जो एक बहुत कॉमन है वो ये कि अगर किसी घर में बेटियां होती हैं दो तीन,
तो फिर देखें, अभी चंद दिन पहले ही एक वाक्या हुआ कि एक बच्ची आई, तो उसका नाम क्या है जी, अल्लाह माफ़ी। ठीक है, मैंने कहा दिस इज़ वेरी बैड, आप क्यों इसका, नहीं जी आपको नहीं पता। देखें अल्लाह रसूल की हम इबादत करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन बच्चों के ऐसे नाम ना रखें। जब उसकी पूरी तह तक पहुँचे तो पता चला जी कि भाई नहीं है, तो इस तरह से। और फिर जब वही नाम अटेंडेंस में लिया जाता है तो बच्चा आपका कॉम्प्लेक्स फील करता है। हर बच्चा, बेटा हो बेटी हो, उसका पहला हक आप पर यह है कि आप उसे प्यार करें, और अपने बच्चे को थानेदार बन के हर बात मत समझाएं, बल्कि उसका अच्छा दोस्त बने। जितना आप बच्चों से ज़्यादा प्यार करेंगे माँ बाप, मेरे मुशाहदे की ये बात है कि उतना ही बच्चा ज़िंदगी में एक्सेल करता है, ग्रो करता है। और वो वालदैन जिनकी बहुत ज़्यादा बच्चों पे सख्ती होती है और वो बहुत ऑफिशियल होकर और बहुत क्रिटिकल होकर हर वक्त बच्चों को स्नब करते रहते हैं, आप बिलीव कीजिए, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका ऐसे टाइम टेबल फिक्स किया होता है कि इस वक्त उठना है, स्कूल जाना है, फिर मदरसे में जाना है, फिर ये बच्चा उससे इरिटेट होता है और वालदैन उसको जरा भी अपनी मर्जी नहीं करने देते। अगर हम बच्चे की मर्जी माने और उसके मुताबिक उसको भी, हाँ बिल्कुल, और उससे क्या होगा कि बच्चा जो काम अपनी खुशी से करेगा वो ज्यादा बेहतर अंदाज में कर सकेगा। अच्छा, अभी जैसे हमारे बच्चों में, अभी चूंकि मैं खुद अभी बार बार डिस्कस ये हमेशा करती हूँ कि बच्चों की जो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमें उनकी मेंटल हेल्थ पे फोकस करने की बड़ी ज़रूरत है। और हम सॉरी टू से, बहुत सारी ऐसी भी है फैक्टर्स, वो कहते हैं जी नहीं बच्चा फिट है, हम इसको खाने को देते हैं, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो बच्चा शायद मेंटली उतना फिट नहीं है, तभी तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज है। तो मेंटल हेल्थ बच्चे की, चाहे वो सिर्फ प्यार से ही हो सकती है, ठीक है, उससे अफेक्शन शो की जाए, प्यार दिखाया जाए, कितनी जरूरी है। देखिए दोनों चीजें बड़ी जरूरी होती हैं, बच्चे को आपने डिसिप्लिन भी करना होता है, नो डाउट वो, और मोहब्बत प्यार तो हर इंसान की जरूरत है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, हर एक की जरूरत है। तो इन बच्चों को है, हमारे बच्चे जो है ये मोहब्बत प्यार शफकत को समझते हैं और इसी से ही ये परवान चढ़ते हैं। अगर मोहब्बत प्यार ना मिले तो मेरा ख्याल है एक मुकम्मल शख्सियत इनकी बनती नहीं है। हम इनसे हंसी मजाक भी करते हैं, छेड़छाड़ भी करते हैं, तंग भी करते हैं, तो बच्चे एंजॉय करते हैं उस चीज को और कंफर्टेबल फील करते हैं आपकी प्रेजेंस में। ये नहीं होता कि खौफजदा रहे कि कोई बड़ा है, और बस जिस तरह हम अपने बचपन को देखें तो शायद हमने ऐसा ही गुजारा हुआ है बचपन, कि बड़ों से इतना होता था कि जी एक गोली से डर जाते थे, हाँ बस वो जी आ गए जी, वालिद आ गए, लोग कमरों में घुस गए, छुप गए, ये हो गया। तो अब वो वक्त नहीं रहा, अब आप वक्त के साथ चलिए कि बच्चों के साथ आप दोस्ती रखिए, लेकिन उसमें रिस्पेक्ट का जो पहलू है उसको, ये नहीं कि बच्चे समझे कि बस अब ये हमारे दोस्त बन गए, हाँ फॉर ग्रांटेड लेने लगे। और हमारी ख्याल से ये पेरेंटिंग की सबसे जबरदस्त टेक्निक है कि आपने बच्चे को डराना भी है जहाँ जरूरत है, उसको स्लैप भी करना है, और जहाँ जरूरत है उसको प्यार भी देना है। बच्चे है ना समझ होते हैं, ये ओवरबोर्ड चले जाते हैं, एकदम लिमिट क्रॉस करने लगते हैं, और मेरे ख्याल से जी ये इस लाइन से आप आगे नहीं जा सकते, और वो भी सख्ती से नहीं, प्यार से, उनको पता हो कि नहीं ये बड़ा है, इसकी इज्जत ऐसे ही करनी है। देखिए मैं जो समझती हूँ ये है कि हम तालीम पर ज्यादा तरबियत दे रहे हैं आज, और हम तरबियत पर इतनी तवज्जो नहीं देते। और आप देखेंगे कि अगर फर्ज करें मदर्स हैं, नेबर में किसी के साथ उनका झगड़ा है या ऐसी बात है, तो वो बच्चों को, बच्चे मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, और आपको मैं एक बात बताऊं कि बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, बच्चे जो बात कहेंगे उसमें कहीं ना कहीं सच जरूर होगा, बच्चे के लिए जो है वो इस तरह नहीं करते। अब क्या है कि अगर मदर की किसी अपनी नेबर से बातचीत नहीं है या रिलेटिव्स में से किसी से फ्रेंडशिप नहीं है, तो बच्चों को मना किया जाता है कि जी वो वाले बच्चों से आप इंटरेक्ट ना करें उनसे, में ये गलत बात है। हमें बच्चों को प्रैक्टिकल करके अपनी शख्सियत हमारी मजबूत हो, पहले हम अपने फ्लॉज को दूर करें, फिर ताकि बच्चा हमें रोल मॉडल समझे और हमारे जो फुट स्टेप्स हैं उस पर चले। लेकिन देखें अगर हमारी अपनी शख्सियत में झूठ हो, कुछ इस तरह की बातें हों, तो फिर बच्चा जो है, फिर हम बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि जो चीज़ हम में नहीं है वो ऐसा करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, सिलेबस हमारा जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही, जो सिलेबस हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा था, वही आगे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि ये नहीं है कि अगर चाइना ने आपको एड दे दिया है तो उसने कहा है कि हायर स्कूल्स पर खर्च करें तो आप उधर चल पड़े हैं, फिर अमेरिकन एड आई है तो आप दूसरी साइड पर। हमें प्राइमरी रूट लेवल से एजुकेशन को लेकर आगे चलना है, पहले प्राइमरी स्टेप्स जो हैं उनको आगे करें,
پھر مڈل کی طرف آئیں, پھر انہیں اداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہو تاکہ شروع سے لے کر آخر تک ہم ایک مضبوط قوم بن سکیں. لولی, اچھا جی ہمارے پاس دعا بھی ہے اور حفصہ بھی ہے. دعا پہلے تو یہ بتانا, آپ کی مہندی کس نے لگائی ہے؟ آپ ہی نے لگائی ہے؟ ویسے لگائی تھی یا کوئی فنکشن تھا؟ فنکشن تھا. ارے واہ زبردست. تو دعا مجھے یہ بتائیں کہ آج یونیورسل چلڈرن ڈے ہے, کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہے آپ؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, ہم ایس ایس میں سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. گڈ, ویری گڈ. میرے نام میں سپیچز. لولی لولی. حفصہ آپ کیسے بناتی ہیں؟ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں, پہلے سپیچز کسی نے وہ کر لی, کسی نے ٹیبلو کر لیا سم تھنگ. اچھا, تو یونیورسل چلڈرن ڈے پہ کوئی میسج بھی آپ تو دینا چاہے گی نا؟ جی, ایس ایس پہ, ایس ایس کے حوالے سے بتائیں گے. سب سے پہلے بچوں کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو ایجوکیشن ملی جائے ان کی مرضی سے, نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. اور اس کے بعد ان کو لو, کیئر, شیلٹر, بالکل شیلٹر, اور ہیلدی. ویری گڈ. ہاں دیکھیں سارے آسپیکٹ کور کر دیے. ہاں یہ بچوں, اچھا ایس ایس کی ابھی میں بات کرتی تھی رفت اور آپ یہ ڈسکشن کر رہے تھے, چھوٹے چھوٹے ایونٹس پہ بڑے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. میں نے دیکھا آپ لوگ وہاں پر ہر وقت کوئی نہ کوئی سیلیبریشن کا موقع بنا کر رکھتے ہیں نا, کیونکہ ہم لوگ بڑے فن لونگ ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کی تفریح یہی ہے نا, ان کی تفریح, ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ خالی اسکول کی پڑھائی, کتابیں اٹھائیں اور بس, اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. بچے فنکشن سے زیادہ سیکھتے ہیں. ہاں ایکٹیویٹی سے یاد رہ جاتا ہے, پھر وہ ویٹ کرتے ہیں. فرض کریں آپ نے چلڈرنز ڈے سیلیبریٹ کیا ہے, اقبال ڈے, یہ سب, بچے پھر ویٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو بتانے کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی, ایک دفعہ ایگزیکٹلی اب ان کو پتا ہے عید میلاد النبی ہے. آئی ایم جسٹ آسکنگ, اچھا تو کل کی تیاری ہے جی, بچوں بفور ٹائم کی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے. اچھا میں نے ابھی کسی کو کچھ نہیں کہا تھا کل تک, کیونکہ وہ ہماری اور بڑی میٹنگ چل رہی تھی, تو میں نے دیکھا کہ اس کے بعد بچے وہی لائٹنگ خود ہی خود ساری شروع ہو گئی. ہاں دیے نکل رہے ہیں, جو سارے دیے جلانے ہیں, اور یہ ایک دفعہ دو دفعہ کر کے بچے سیکھ لیتے, اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑتی, بس وہ خود ہی آٹومیٹکلی کر رہے ہیں, اور انتظار میں ہوتا ہے کہ اس موقع پہ ہم نے یہ کرنا ہے. کیونکہ یہ بچے جب باہر نکلیں گے اور اپنی زندگی شروع کریں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ اس موقع پہ یہ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس وقت کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہ ہو, لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم یہ چیز, اور وہ آپ لوگوں نے روٹ سیٹ کر دیے نا ان کی, وہ کر دیے شب برات کا. ان کو بالکل پتا ہے کہ جی پٹاخے نہیں ہیں, یہ عبادت کا دن ہے. اور کس طرح میرے بچے رات کو باہر گراؤنڈ میں چٹائیاں بچھا, چائے کے بنا کے لے کے آتے ہیں سارے عبادت کے لیے. تو یہ ہے کہ جو سکھا دیا ایک دفعہ بچوں کو وہ یاد رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ تو ہمیں کیا سنائیں گی جلدی سے؟ نغمہ سنائیں. نغمہ سنائیں چلیں, بہترین ہوگا. ہاں تو سنائیں. قلم کی جو جگہ تھی وہ وہی ہے, پر اس کا نام تک باقی نہیں ہے. قلم کی نوک پہ نکتہ ہے کوئی, جو سچ ہو وہ بھلا جھکتا ہے کوئی. وہ جس بچپن میں تھوڑا اور جینا تھا, وہ جس نے ماں تمہارا خواب جینا تھا. مجھے ماں اس سے بدلا لینے جانا ہے, مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. مجھے ماں اس سے بدلا لینے جانا ہے, مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. زبردست, ویری نائس. اچھا دعا, ابھی آپ کی آواز میں نے سنی اور ابھی ہمیں میڈم نے بتایا کہ آواز بہت اچھی ہے, کچھ اور بھی سنائیں گی ذرا ہم آپ سے؟ جی ہاں. چلیں ضرور, چلے ہم دعا سے بھی کچھ اور مزید سن لیتے, کیونکہ ابھی میڈم نے, الماس میڈم بتا رہی تھی کہ دعا کی آواز ماشاء اللہ بہت اچھی ہے, تو دعا سے ہم کچھ سن لیتے ہیں. دعا چلے جلدی سے سنا دیں. ناچ سنانے لگے ہم جی. چلے ڈن ہو گیا. جسے ہے طلب سکوں کی در مصطفیٰ پہ جائے, جسے ہے طلب سکوں کی در مصطفیٰ پہ جائے, وہ نصیب جگمگائے, وہ مراد
पाए दर मुस्तफा के अज़मत का सबूत और क्या हो दर मुस्तफा के अज़मत का सबूत और क्या हो यहाँ बादशाह तो फकीर बन के आए यहाँ बादशाह भी आए तो फकीर बन के आए जबरदस्त बहुत प्यारी आवाज है नो डाउट चलिए जनाब आज हम डिस्कशन कर रहे थे यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के हवाले से एक छोटा छोटा मैसेज अपने दोनों मेहमानों से लेंगे उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं क्या मैसेज देना चाहिए बस जी यही कि हम मज़हब रंग इन चीज़ों से बालातर होकर सिर्फ मोहब्बत प्यार और दूसरे का एहसास रखने का वो रखें बच्चे भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत प्यार रखें बड़े भी उनको प्यार मोहब्बत तवज्जो और एक इज़्ज़त का दर्जा भी दें ये नहीं कि ये बच्चे हैं तो इनको इज़्ज़त इनकी भी बड़ी इज़्ज़त नफ्स है उसको कायम रखें और इनको मोहब्बत और प्यार दें ये इनका बुनियादी हक जो है बच्चे का वो प्यार मोहब्बत है लवली लवली आप क्या कहेंगे अपनी बहन के पैगाम को थोड़ा सा आगे करूँगी बच्चों का पहला हक है बुनियादी कि हम उनसे प्यार करें और दूसरी बात कि कैरियर काउंसलिंग में अपने फैसले बच्चों पर मुसल्लत ना करें बच्चे जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाह रहे आप उन्हें फोर्स ना करें अगर वो अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट अपना कैरियर सेलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर और बाकमाल होंगे अपने शोबे में लेकिन अगर हम अपना फैसला मुसल्लत करेंगे तो शायद उनकी सलाहियतों का सही इस्तेमाल ना हो सके जबरदस्त थैंक यू वेरी मच आप दोनों का और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ दिया जनाब आज यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे है बच्चों को एजुकेशन दें और हर लेवल पर चाहे घर है चाहे स्कूल है कोई भी इंस्टीट्यूट है बच्चों के साथ शफकत प्यार मोहब्बत ये बहुत चीज़ें ज़रूरी है मेरे ख्याल से और आजकल के बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों के जरिए आगे एक्सेल करते हैं हम उन पर सख्ती बेजा सख्ती इवन हर चीज़ की एक होती है मॉडरेशन के साथ अगर चला जाए तो बच्चे डेफिनेटली बहुत खूबसूरत बच्चे होते हैं और इनका जो माशरे में रोल है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे आप देखते रहिए जागो लाहौर